गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल वन स्टाइल ब्लॉग। सो कैसे आप सब। सो गाइज आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दिवाली एक्सपीरियंस, प्लस दिवाली शॉपिंग जो मैंने क्या क्या की, प्लस उसके दिवाली कैसे सेलिब्रेट की, रंगोली एंड ऑल एंड सेलिब्रेशन, एंड प्लस विश्वकर्मा डे के साथ मैंने एंड किया इस ब्लॉग को। थोड़ा बहुत एक ग्लिम्प्स दिखा दूंगी आपको भैया दूज का भी, तो ज़्यादा कुछ मैं उसमें शूट नहीं किया, जस्ट अ लिटिल। सो आई होप यू विल लाइक दिस ब्लॉग, एंड अगर आपको ब्लॉग अच्छे लग रहे तो प्लीज़ गाइज लाइक किए बिना कमेंट किए मत जाइएगा, एंड मुझे और करेगा, मुझे और मोटिवेशन चाहिए आपकी तरफ से कि आप मेरे ब्लॉग्स लाइक कर रहे हो। एंड प्लीज़ डू लेट नो के व्हाट काइंड ऑफ ब्लॉग्स यू वांट टू सी ऑन माय चैनल, आइदर फूड ब्लॉग, ट्रैवल ब्लॉग और मेकअप ब्लॉग, फैशन ब्लॉग, एनीथिंग यू लाइक प्लीज़ डू कमेंट, रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डू फॉलो माई इंस्टाग्राम वानी ब्यूटी स्टाइल फॉर मोर इन्फो। लाइक मैं वहाँ पे काफ़ी अपडेट करती हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे भी बता सकते हो कि आपको क्या डेली में ब्लॉग देखना पसंद है, तो डेफिनेटली मैं वो ही लेके आऊँगी नेक्स्ट अपने ब्लॉग में। टिल देन एंजॉय वॉचिंग माई दिस ब्लॉग। मैं आ गई सेक्टर 41 डी की मार्केट, आज हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, तो बहुत ही अच्छी मार्केट है यहाँ पर लगी है, तो मज़ा आने वाला है, तो बहुत आप देखेंगे कहाँ तक फैली है, तो आई एम रियली गोना एंजॉय इट, सो लेट्स गो विद मी। तो गाइस ये है 41D की मार्केट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड साइड में बहुत ही ज़्यादा सामान था दिवाली के लिए, आप सजाने सजावट के लिए घर की, तो बहुत कुछ था यहाँ पे, क्योंकि दिवाली के टाइम पे ये लोग अपने सारे बाहर स्टॉल वगैरह से लगाते हैं, एंड यू कैन शॉप वॉट एवर यू वॉन्ट। तो मैंने यहाँ से रंगोली परचेज़ की थी, कैंडल्स ली थी, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे इतना मज़ा आ रहा था, फील लाइक कि बहुत दिवाली वाले टाइम में तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है, कैसे हर जगह सजावट वाला सामान मिल रहा है, रंगोली एंड ऑल कलर्स ब्यूटीफुल, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग था यहाँ पे। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी बहुत ही अमेजिंग थी, लाइक 100 रुपीज़ से स्टार्ट थी, तो ये इसी टाइम पे ये अपना सारा स्टॉल लगाते हैं बाहर ज्वेलरी एंड ऑल, तो बहुत ही बढ़िया ज्वेलरी थी ऑक्सीडाइज में। मामी के साथ हम आए हैं सेक्टर 41 की कृष्णा मार्केट का व्यू आपको दिखाया है मैंने, आई होप आपको अच्छा लगा, दिवाली में कितनी रौनक लगी यहाँ पे। तो अब हम बताइए चूँगी कि बहुत अफोर्डेबल है, आई गॉट इट फॉर 150 रुपीज़। सामान बनाई थी जाने के
स्टेयर्स तक मैंने फ्लावर्स डेकोर किए हैं। इतना टाइम लग गया अब तक की जितनी लगी थी एंड तक की, बट बहुत अच्छा आउटपुट दिख रहा है एज यू कैन सी। एंड इसकी तक पिक्चर जितनी अमेजिंग आई है, मैंने लास्ट टाइम भी कुछ ऐसा सेम नहीं था लेकिन डिफरेंट था, लेकिन इस बार का मुझे बहुत अच्छा लगा रंगोली डिज़ाइन। आई होप आपको भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट पर ज़रूर बताना कैसी लगी आपको रंगोली डिज़ाइन एंड ऑल। एंड उसके बाद थक गए तो रात को हमने अवधि पे डिनर किया, कुछ मंचिंग वगैरह। एंड नेक्स्ट टाइम मैंने शॉपिंग की भाई पूजा, एंड मैंने ये ड्रेस भी ऑन किया है। हम पहले मंदिर जाएंगे फिर घर पर पूजा, उसके बाद हम नेक्स्ट डे हेलो। सो अब हम जा रहे हैं घूमने, एंड इसमें थोड़े बहुत फैमिली मेम्बर्स नहीं जा पा रहे बिकॉज आज ग्रहण भी लगना है, दे प्रेफर टू सिट एट होम बट वी वांट टू रियली गो आउट। सो गाइस एज यूजुअल हम चल पड़े थे कसौली की तरफ, इस बार हमने कोई न्यू प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करनी थी, तो आइए आप देखिए कहाँ जाते हैं हम। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इस बार हम जाएंगे देखने। सो द व्यू वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल। So guys, बहुत अच्छी एंड ब्यूटीफुल अमृत तारा है प्रॉपर्टी का नेम, बहुत ही अच्छी है बिल्कुल रोड साइड पे है कसौली के से पहले है। एंड इनको आप चेक कर सकते हो गूगल पे भी, अगर आप कभी विजिट करो इस साइड तो बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे झूले रखे थे, सारा तो आते सारे ही बस झूलों पे बैठ गई थी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाइज, यहाँ का इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत इज़ रियली अमेजिंग। व्यूज़ यहाँ से इतने ज़बरदस्त थे, मैंने एवरी व्यू आई टुक, लाइक विंडो व्यू ले लो, अगर आप कहीं यहाँ पे डिनर कर रहे हैं लंच ब्रेकफास्ट बालकनी व्यू यू कैन सी, दैट्स रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड यहाँ पे पिक्चर्स भी बहुत अमेजिंग आएंगी। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट, यहाँ का जो फूड है इट्स रियली वेरी वेरी टेस्टी। वी ट्राइड दही कबाब मशरूम टिक्का पनीर टिक्का, बहुत ही अमेजिंग फूड है गाइस, तो मस्ट ट्राई देयर प्रॉपर्टी। एंड व्यू तो बहुत माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है यार, देख के मन खुश हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कुछ नेचर लवर है तो डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी में ज़रूर विजिट करना। तो लव इट। And mention the description box and very good food if you want to look for good food. So property is really very nice. So guys, इसके बाद हम चल पड़ रहे थे डोची, तो वहाँ पे आपको पता है मशहूर है डोची पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे मैंने ट्राई तो करा था पिज़्ज़ा, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी वेटिंग इतनी ज़्यादा थी कि हम पिज़्ज़ा नहीं ट्राई कर पाए, लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम अगर ज़रूर यहाँ पे गई तो आपको इसका रिव्यू ज़रूर दूँगी, डोची पिज़्ज़ेरिया। तो यहाँ पे बड़े अच्छे स्टाइल से पिज़्ज़ा बनाते हैं आई थिंक, तो मुझे प्रॉपरली भी नहीं पता। तो मैं अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जाके हम गए अपना फेवरेट ग्लेनव्यू रिजॉर्ट, वहाँ पे जाके हमने अपना लंच किया प्रॉपर एंड बहुत अच्छा वेलकम किया। गाइस ये दोनों हमारे लिए मिल रहे थे ऑलरेडी, यहाँ पे एक मैरिज फंक्शन चल रहा था तो हम भी चले गए थे, क्योंकि हमने एक बात बुक करके यहाँ पे अपना, क्योंकि हमें यहाँ का खाना पसंद था तो हम डेफिनेटली ये जगह नहीं स्किप कर सकते थे। तो यहाँ के व्यू मैंने लिए बहुत अमेजिंग, एंड फूड इज़ आल्सो वेरी वेरी गुड। डू ट्राई ग्लेन रिजॉर्ट। एंड ये कुछ मोमेंट्स है मेरी, एंड यू लुक एट द व्यू गाइस, रियली मेसमराइजिंग व्यू आई हैव कैप्चर्ड एंड ब्यूटिफुल इन द नाइट एज वेल। यहाँ पे तो बस एक सॉन्ग चलना चाहिए मेरा फेवरेट, ये हसी वादिया ये खुला आसमां, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ थे। एंड इनका अपना स्विमिंग पूल भी, अगर आप यहाँ इनके प्रॉपर्टी में स्टे लेते हैं तो बहुत ही अमेजिंग था, वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
गाइज ये था मेरा सारा विश्वकर्मा डे दिवाली का एंड लास्टली वी हैव सेलिब्रेटेड बाय अ दूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।